अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम CS 506 का लेक्चर नंबर 25 देखेंगे कि लेक्चर नंबर 25 में कौन सी थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। सो जो बच्चे इस वीडियो पे न्यू हैं वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जितनी भी इनकमिंग वीडियो होगी लेक्चर से रिलेटेड एंड अदर वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सकेगा, आप जल्दी वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो हम जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। आई होप आप लोगों ने, जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम जल्दी से देखते हैं कि लेक्चर नंबर 25 में कौन सी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेक्चर नंबर 25 जो है ये हमारा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें वेब एप्लीकेशन का काम जो है वो करना है। आगे जो सारे लेक्चर हैं उनमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क हैं, पीछे हमने प्रोग्रामिंग का जो था वर्क वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहे। इसमें भी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आ सकती हैं। यह उन्होंने इंट्रोडक्शन जो है बताया हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो होते हैं वो एक पीस ऑफ कोड ही होता है जो कि हम सर्वर पर रन करते हैं, ठीक है। और सर्वर जो होते हैं, यूज़र जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं वेब सर्वर के साथ थ्रू HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए। और HTTP प्रोटोकॉल जो होते हैं वो रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट टू सर्वर को, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देन सर्वर जो होते हैं सेंड करते हैं बैक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और एरर मैसेज, ठीक है। उसको जब सर्वर को सेंड की जाती है रिक्वेस्ट, क्लाइंट ही यूज़र सेंड करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको बैक जो है वो रिस्पॉन्स या फिर एरर मैसेज शो करते हैं, ठीक है। तो ये बताया हमें इसमें प्रैक्टिकल वर्क ही हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आगे ये आप लोगों का बुक जो होती हैं वो फाइनल जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें ही पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ प्रोजेक्ट भी होते हैं तो उसी से रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जो हैं वो वेब का जानते ही होंगे, आप लोगों ने वेब के प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो सारा इसमें जो है वो वेब से रिलेटेड हैं वर्क, प्रैक्टिकल वर्क हैं, ठीक है। वेब क्या होता है, वेब सर्वर जो होते हैं वो असल में सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि हमें प्रोवाइड्स करते हैं, यूज़र को प्रोवाइड करते हैं एक्सेस करें टू सर्विसेज दैट आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट पर, जो सर्विसेज मौजूद होती हैं उनको एक्सेस करता है यूज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। HTTP इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो एक कम्युनिकेशन बिटवीन दो पार्टीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन का मेथड्स होता है, प्रोटोकॉल जो होते हैं उनको डिफाइन करने का। उसके बाद हर मैनी जो हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं बाय कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट करने के लिए विद ईच अदर्स, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन पर डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आगे हैं कि HTTP कम्युनिकेशन मॉडल, यहाँ पे ये दिखाया गया है किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट जब हम HTTP के थ्रू भेजते हैं तो वो कौन से पार्ट्स हैं, उसमें रिक्वेस्ट मेथड आते हैं, URL आता है, URL जो है वो शॉर्ट फॉर्म ली गई हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर की। तो ये जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं, और मोस्टली MCQs में जो हैं ये चीज़ें आ सकती हैं कि HTTP रिक्वेस्ट के कौन कौन से पार्ट हैं, वहाँ पे ऑप्शन दी जाती हैं, तीनों ऑप्शन दी जाएगी या फिर एक आधी दी जाएगी, तो आप लोगों ने उस पर जो है वो इस तरह से MCQs बन सकता है इसमें से, और शॉर्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसके एग्जांपल दी गई हैं, HTTP पार्ट्स हैं ऑफ HTTP जो है HTTP रिस्पांस के, यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, उधर रिक्वेस्ट के थे, यहाँ पे रिस्पांस में जो है वो कौन से पार्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट कोड आते हैं, हेडर फील्ड्स आती हैं, बॉडी आती हैं, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह की चीज़ें हैं, इसमें भी इस तरह की चीज़ों से जो है वो MCQs आते होते हैं, ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं वो 5 जो है कैटा उसकी जनरल, आमतौर पर जो 5 टाइप्स होती हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं जिनमें उसको डिवाइड किया गया है रिस्पॉन्स कोड्स को HTTP का।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो 5 टाइप्स इसकी बताई गई हैं, इसको जो रिस्पॉन्स HTTP रिस्पॉन्स कोर्स को जनरल 5 कैटेगरीज में जो है वो तकसीम किया गया है। 100 to 199 है, 200 to 99। तो ये MCQs के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं चीज़ हैं। मे भी इसमें से एक दो MCQs जो हैं वो आ भी सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो जो है इसमें से वो पूछ सकते हैं कि 100 की जो है रिस्पॉन्स कोड्स हैं की टाइप हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं विद पार्शियल रिक्वेस्ट के साथ। 200 में कमीज हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन सब को रीड करना है। तो वो जो है ये चीज़ दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं, नीचे ऑप्शन दे सकते हैं 100 199 में अकाम में ये काम होता है जो है, या फिर 200 to 99 में काम, मतलब इसमें से MCQs बांध सकते हैं, ठीक है। इस तरह ही ये 404 हैं, 401 403 हैं। तो जो है वो या तो ये चीज़ दे सकते हैं कि इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट रिक्वायर्स HTTP ऑथेंटिकेशन जो है, ये 401 या 403 नीचे ऑप्शन आ सकती हैं, तो आपने 401 में ही जो है वो करना होगा। तो ये MCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह जो है वो देखना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, उसके बाद ये सारा उन्होंने ये प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है और साथ साथ जो है वो दिखाया हुआ है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे वेब सर्वर पेज होते हैं, वो स्टैटिक पेज भी हो सकते हैं और डायनामिक पेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो HTML जो हमारा यहाँ पे स्टैटिक जो वेब पेज होते हैं वो सिंपली HTML हमारा कोड होते हैं। HTML कोड जो होते हैं, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज, इसको मार्कअप लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो दिया गया है। एप्लीकेशन जो डायनामिक वेब पेज होते हैं सर्वर, वो एग्जीक्यूट करते हैं एन एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सारी, ये सारा बाकी जो है प्रैक्टिकल वर्क दिखाया हुआ है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट से स्क्रीनशॉट जो है वो लिए गए हैं, ठीक है। ये देखें तो ये सारे हैं, क्योंकि जारी बात है एक वो जो है वेबसाइट ही क्रिएट करनी होती है इसमें वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने। तो ये सारी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट जो हैं वो लिए गए हैं, प्रैक्टिकल वर्क हैं इस वजह से, ठीक है। तो डायनामिक वेब कंटेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो होती हैं इवॉल्व जो होती हैं थ्रो टाइम एंड स्पीड एंड सिक्योरिटी के लिहाज से, और जो हैं ASP और बेस्ड टेक्नोलॉजी जो होती हैं इसमें टेम्पलेट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, लाइक ASP एंड PHP जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लेयर हैं वेब एप्लीकेशंस के अंदर जो हैं वो कितनी लेयर हैं। वेब एप्लीकेशंस को जो है वो डिवाइड किया जाता है लॉजिकल लेयर्स के अंदर। हर जो लॉजिकल लेयर्स होती हैं परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, हर लॉजिकल लेयर्स की अपनी जो है वो खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं, जो कि एक दूसरी लेयर के साथ मिक्स नहीं होती, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं और यहाँ पे ये इसका जो है वेब एप्लीकेशन की लेयर्स का बताया गया है कि यहाँ पे यूज़र्स होते हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर होती है, बिजनेस लेयर यूज़र इंटरेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के लेयर के साथ, और बिजनेस लेयर देन फिर डाटा लेयर्स आती हैं, डाटा सोर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करना होता है कि इंटरफेस ये होता है, यूज़र इंटरफेस ही होता है हमारे क्लाइंट्स के लिए जो इंटरेक्ट करते हैं विद एप्लीकेशन के साथ। जो जब कोई हम कोई वेब वगैरह जो है वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो वो जब सामने हमारे इंटरफेस आ रहा होता है तो वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही आते हैं। उसके बाद बिजनेस लेयर आती हैं, बिजनेस लेयर में सर्विसेज लेयर होती हैं, ये इंप्लीमेंट्स करती है एक्चुअली बिजनेस लॉजिक को। डाटा लेयर में जो है वो ये इसके अंदर डाटा जो है वो एक्सेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पर कंसिस्ट होती हैं ये लेयर जो होती हैं, और रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है इसके अंदर। तो यहाँ पे जावा वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का ये दिया गया है। सो ये था लेक्चर 25। बच्चे कह रहे थे कि मैम जो है आगे लेक्चर प्रोवाइड करें, तो टाइमिंग की वजह से जो है टाइम शॉर्ट था, टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से लेक्चर जो हैं वो मैं नहीं बना पा रही थी। सो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को फाइनल से पहले पहले जो हैं वो जिन बुक के मैंने कंटिन्यू किए हुए हैं लेक्चर्स बनाने वो प्रोवाइड करूँ अगर टाइम मिले तो।
सो ये था 25 लेक्चर्स आज का, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल भी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जितनी भी इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन फौरी मिल सकेगा। और जो बच्चे शुरू से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनका जो है थैंक्स, और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो हैं जो जो बच्चे जो तैयारी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से मेन मेन चीज़ें जो होती हैं आप लोग जल्दी तैयारी कर पाते हैं। बेहतर तो यही है आप कंप्लीट हैंड आउट्स कंप्लीट लेक्चर लिया करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं होती हैं इसके अंदर जो कि मैं बता देती हूँ, इससे आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाती होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।